नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन ने सी मार्ट में रखे जाने वाले प्रोडक्ट्स को लेकर स्व सहायता समूह की महिलाओं को टिप्स दिए। महिलाओं को यह बताया गया कि किसी भी सामग्री के विक्रय के लिए किन प्रक्रियाओं से उन्हें होकर गुजरना पड़ता है। जिला पंचायत सीईओ श्री देवांगन ने महिलाओं को बताया कि सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रोडक्ट के चयन, पैकेजिंग, वजन, कीमत, गुणवत्ता और इसकी उपलब्धता होती है। प्रोडक्ट का परीक्षण करते हुए विक्रय के लिए तैयार करना जरूरी होता है। इससे जुड़ी हुई सभी महिलाओं को अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होगी। इस आधार पर बेहतर से बेहतर उत्पाद सी मार्ट में रखे जाएंगे। महिलाओं ने कुछ पैकेजिंग प्रोडक्ट सैंपल के लिए सीईओ एवं आयुक्त को दिखाए भी। देखिए, जिला पंचायत सीईओ और आयुक्त महोदय जो है, फॉरेस्ट विभाग की जो संयुक्त बैठक जो है स्व सहायता समूह महिलाओं की ली गई है, इसमें जो मिशन मैनेजर थे, सीईओ थे, सीएलएफ की महिलाएं, एलएफ की महिलाएं, अवनी की जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं वो, तो तमाम लोग जो इनसे जुड़े हुए, सी मार्ट से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी बैठक जो है आहूत की गई थी। और ये जो है बैठक, इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो पैकेजिंग है, जिसका प्रोडक्ट का रेट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट किस वजन का होना चाहिए, प्रोडक्ट का जो मापदंड है वो कैसा होना चाहिए, इसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, और जो बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट रखे जा सकते हैं सी मार्ट में उनका चयन कैसे होगा, कैसे इसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर जो है संयुक्त बैठक ली गई थी, जिसमें अन्य निकाय के जो कर्मचारी थे वो भी शामिल थे। बड़ी संख्या में जो है जो सीईओ थी, महिलाएं थी, वो सभी मौजूद थे। उनको सभी को जो है सीईओ और आयुक्त महोदय ने टिप्स दिए हैं कि कैसे बेहतर प्रोडक्ट जो है, नॉन एडिबल हो चाहे एडिबल हो, ये रख पाएंगे। तो इसके लिए जो है बहुत सारे सुझाव जो है वो लिए भी गए हैं और महिलाओं से, और जो है आयुक्त महोदय और सीईओ साहब ने दिए भी। विधायक देवेंद्र यादव एवं महापौर नीरज पाल की पहल पर पावर हाउस के समीप सी मार्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें हर वह सामग्री जो अन्य बड़े मॉल में होती है विक्रय के लिए रखी जाएंगी। महिलाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म सी मार्ट के माध्यम से मिल पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।